आजकल के बच्चे बड़े तोप हैं। ट्राइसिकल चलाने की उम्र में मोबाइल चला लेते हैं। यही नहीं, मुश्किल से मुश्किल गेम्स के कोड्स चुटकियों में क्रैक कर लेते हैं। हम आए हैं लखनऊ, जहां चार टेक सैवी बच्चों ने वो कर दिखाया जो इतनी सी उम्र में शायद ही किसी ने सोचा होगा। इन्होंने बनाई है 3 अमेजिंग इलेक्ट्रिक कार्स, जो पॉल्यूशन नहीं फैलाती बल्कि अपने आसपास की एयर को क्लीन करने का काम करती हैं। OMG! ये है छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, द फोर एवर। चलिए आपको इस होनहार टीम और उनकी OMG इन्वेंशन से इंट्रोड्यूस करते हैं। 14 साल के श्रेयांश मेहरोत्रा की क्रिएशन है बैट मोबाइल से इंस्पायर्ड, और 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर चलने वाली यह पावरफुल कार मुर्सेलैगो 12 साल के गर्वित सिंह ने बनाई है GSM, जिसमें है 1.4 हॉर्स पावर का इंजन, और 11 साल के विराज और 8 साल के आरव की जोड़ी ने बनाई है 5G टेक्नोलॉजी पर चलने वाली फ्यूचरिस्टिक कार वीजैज प्लस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इतने सी उम्र में इतना बड़ा काम तुमने किया कैसे? हमें EVs के बारे में पता चला राइजिंग पोल्यूशन से, कि कार्स सबसे मेन सोर्स है पोल्यूशन की। DFS और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का आइडिया हमें 2021 में आया। दोस्तों, कार्स को डेवलप करने में बच्चों का साथ दिया उनके मेंटर मिलन जी ने, जिनका मानना है कि इंडिया का ब्राइट फ्यूचर इन्हीं यंग माइंड्स के हाथों में है। मतलब डे वन से मुझे कुछ ऐसी एक क्रिएटिविटी स्किल दिखती थी, जो मुझे लगता था कि इनके अंदर दे आर बॉर्न विद विंग्स ऑफ इमेजिनेशन। करते करते हम लोगों ने रोबोटिक साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, हम लोगों ने रोजमर्रे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू किया, और इनिशियल डिजाइन से फाइनल कार तक का सफर तय करने में करीब 1 साल की कड़ी मेहनत लगी। पर सबसे कमाल की बात यह है कि कार्स के लिए मटेरियल अरेंज करने से लेकर वेल्डिंग, फैब्रिकेशन और यहाँ तक कि कार्स को पेंट भी बच्चों ने खुद ही किया है। उन्होंने इस गाड़ी को बनाने में प्रोसेस सीखे, तो अपनी मिस्टेक से भी सीखा कि आप प्रॉब्लम कैसे आई है, तो उसको सॉल्व कैसे करें, ये भी सीखा हम लोगों ने। चलिए अब जानते हैं इन तीनों गाड़ियों के फीचर्स के बारे में। श्रेयांश की मुर्सेलैगो में है 2 हॉर्स पावर का इंजन और 80 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड। गर्वित की 2 सीटर GSM जेनरेट करती है 1.4 हॉर्स पावर, और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए है लॉन्ग इंडिकेटर्स। और विराज और आरव की वीजैज प्लस एक ऐसी ऑटोमेटिक कार है जो 5G टेक्नोलॉजी पर चलती है। 5G हम लोग ने सब सुना होगा कि न्यू एंड इम्प्रूव्ड जनरेशन ऑफ नेटवर्क, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अपने कार में लगा के कहीं भी दुनिया में कंट्रोल कर सकते हैं, फॉरवर्ड या रिवर्स। बेसिकली DFS एक काइंड ऑफ एयर प्योरीफायर है, जो कि आपका पॉल्यूशन और डस्ट पार्टिकल्स दोनों को क्लीन करता है। तो इसमें एक हेपा फिल्टर है और एक स्क्विरल केज मोटर है। जब यह चलता है तो 5 फीट के रेडियस में ये जो भी एयर होती है उसको ये सक करता है, और जो हेपा फिल्टर होता है वो डस्ट पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब करता है, और फिर एक टॉप ग्रिल है जिससे वो प्योर एयर रिलीज करता है। कार्स के फीचर तो काफी OMG हैं, लेकिन इनमें कितना दम है इसके लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए। The biggest challenge that the auto industry has faced for several years now is how to reduce emissions. Imagine a car that doesn't only do that, but also cleans the air around it. I think that's quite innovative. I think that's also the need of the hour. This is something that, if actually mass-produced, can make a massive difference. कहते हैं बच्चे आने वाले कल की तस्वीर होते हैं, और forever के young और genius minds आने वाले समय में अपनी इनोवेशन और डेडिकेशन से सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर बेहतर बनाने निकल पड़े हैं। यही बात इन्हें बनाती है OMG।